आदाब, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। श्रीनगर में कश्मीर डिवीज़न में जो इलेक्शन के अरेंजमेंट किए गए हैं उसका हमने रिव्यू किया है। यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अभी सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स 10 जिलों के जो हैं उनके साथ में रिव्यू हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए फर्स्ट फेज़ जिसकी तारीख 28 नवंबर है, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और 8 फेजेस में जो इलेक्शन हो रही है इसके लिए जितने भी इंतज़ाम हमको करने हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी किए हैं। हमारे पास इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए पूरी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पूरे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। साथ में पुलिस फोर्स को असेस करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर में आई हैं और एडिक्वेट नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस आर अवेलेबल फॉर डीलिंग विद द सिचुएशन एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कश्मीर प्रोविंस। पुलिस इज बीइंग प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्टेड पर्संस, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कैंपेनिंग करने के लिए, और जो कहीं कहीं पर कुछ कैंडिडेट्स अनकंटेस्टेड भी जीते हैं उनके लिए भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित कश्मीर में रहें। इस समय इलेक्शन का जो प्रोसेस है ये एक एडवांस स्टेज पे चला गया है। फर्स्ट फेजेस के लिए हमने डिफ़िकल्ट इलाके जहां पर बर्फबारी हो सकती है और बर्फ़ के कारण से रास्ते बंद हो सकते हैं उनको फर्स्ट फेज में हमने रखा था। वहाँ पर जो पोलिंग मटीरियल है और जो पोलिंग पार्टीज़ हैं और जो बैलेट पेपर का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है और ये सारे रिसोर्सेज उनके इलाके में जहाँ जहाँ पर पोलिंग लोकेशंस हैं वहाँ पर भेज दिए गए हैं। जैसा मौसम इस समय है उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं पर अगर रोड ब्लॉक वगैरह होने की संभावना है तो जो हमारे स्नो क्लियरेंस मशीनरी है मैकेनिकल विंग पीरुलडी का उसको भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने मोबिलाइज कर लिया है और वो भी काम किया जाएगा। सभी तरीके की कंटिजेंसी जो हो सकती है इलेक्शन में उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किए गए हैं। सारे ज़िलों में काउंटिंग के लिए भी समय एडवांस प्लानिंग हो चुकी है, काउंटिंग लोकेशन डिसाइड हो चुकी हैं और अच्छी बात यह है कि सारे स्टाफ की मूवमेंट उनके प्लान बन चुके हैं। हमने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि कोई गलत प्रैक्टिसेस में नहीं हो, जो एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं वो कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर लिमिट्स के अंदर अपना खर्चा करें, उसके लिए सभी ज़िलों में हमारे जनरल ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इस समय हैं और इस तरीके से ये इलेक्शन होगी। ये एक बड़ी अहम इलेक्शन है, जैसा मैंने पहले भी कहा है डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का बनना ऐतिहासिक एक तारीखी गोल रहेगा हमारे लिए। ये सारे देश में 1990s में बनी, बड़ी जगह में उससे पहले भी बनी जिला परिषद, जम्मू कश्मीर में 2020 की जनरल इलेक्शन 20 डिस्ट्रिक्ट में होना और पार्टी बेसिस के ऊपर होना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स जो इसमें अपनी नॉमिनेशन भर रहे हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लोग और जो हमारे सिटीजन्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हम इसमें पूरे एंगेज्ड हैं टू मेक श्योर दैट इलेक्शन इज हेल्ड प्रॉपरली। किसी भी कैंडिडेट को अगर कैंपेनिंग में कोई डिफ़िकल्टी है, हमने रिव्यू किया है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सबको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में भिजवा रहे हैं। सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कई बार ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसका जो कैंडिडेट का विजिट है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके लिए एडवांस प्लानिंग करी जाए ताकि उसकी लाइफ को रिस्क नहीं होना चाहिए। ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, बट एट द सेम टाइम द पुलिस हैज़ बीन गिवन डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस बाय मी इन द रिव्यू यस्टरडे एंड टुडे दैट दे विल मेक द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड मेक श्योर दैट जो भी कैंडिडेट किसी एरिया में कैंपेनिंग के लिए जाना चाहता है वो कैंपेनिंग के लिए जाएगा। सो जैसा हमने कहा कि ये 8 फेज इलेक्शन है, 28 नवंबर को पहला फेज़ होगा इसका और 19 दिसंबर को इसका लास्ट फेज़ होगा और 22 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ हैं
उनकी काउंटिंग होगी। साथ ही साथ में जैसा आपको मालूम है कि जो हल्का पंचायत सरपंच की वैकेंसी हैं बाई इलेक्शन, उनकी भी इलेक्शन हो रही है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी इलेक्शन जहाँ जहाँ पर बाई इलेक्शन की वैकेंसीज हैं वहाँ पर ये इलेक्शन हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आफ्टर इट केम इन द मीडिया के कैंडिडेट्स कुछ पार्टीज़ के क्लस्टर एकोमोडेशन में हैं और उनको डिफ़िकल्टी आ रही है कैंपेनिंग करने के लिए, ये सारी आज मैंने चर्चा करी है सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ में। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट को सिक्योर रखने के लिए क्लस्टर अकोमोडेशन में लाया गया है उसमें बिल्कुल ये गोल नहीं है कि उसको प्रिवेंट किया जाएगा कैंपेनिंग करने के लिए। ये कंप्लेंट गलत है कि किसी को प्रिवेंट किया जा रहा है। मैं अभी भी सभी कैंडिडेट से कहना चाहूँगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य और गोल ये है कि इलेक्शन सेफ हो, और कोई भी कैंडिडेट या कोई भी लीडर जो कैंपेनिंग करने जाना चाहता है और अगर उनको कहीं पर जाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, ये डिफ़िकल्टी सिर्फ सिक्योरिटी रिलेटेड हो सकती है, और सिक्योरिटी रिलेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो जाएंगे नहीं। तो इसलिए आप फ़ोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर में SSP को, DC को, और ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ये नोटिस में लाएं, और हम इमीडिएटली पुलिस के SSP को और DC को इंस्ट्रक्शन देंगे कि या वो कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टी का या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या फिर वो कोई स्टार कैंपेनर है, ये जो हमारी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हैं नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको स्टार कैंपेनिंग लगाने का भी अधिकार है। इसके बारे में हमने पब्लिसिटी पहले भी करी थी, कुछ पार्टीज़ ने अभी तक स्टार कैंपेनर नहीं लगाए हैं। अभी इलेक्शन एक महीना और है लगभग, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर चाहती हैं वो अपने कैंपेनर्स लगा सकती हैं, अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स को वो डिस्ट्रिक्ट में भेजें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भेजें, और उसके लिए उनकी सिक्योरिटी जो चाहिए होगी वो उनको प्रोवाइड करी जाएगी। किसी भी किस्म का कंप्लेंट जिसमें किसी को गलत डिटेन किया जाएगा वो अभी तक नहीं आया है, ये मैंने कल भी बात करी थी। अगर ऐसा कोई केस है तो हमारे नोटिस में लाएँ और हम उसको एड्रेस करेंगे। सर, हाल ही में जो है अधिक मात्रा में जो है अधिक संख्या में CRPF सुरक्षा बलों की 39 कंपनीज को जैसा बुलाया गया है, क्या उनको डिप्यूट किया गया है अभी तक इस चुनाव के लिए या अभी वो होने वाले हैं? बहुत सारी कंपनीज जो आ गई हैं ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में, उनको ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे हमारी ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है आज और कल में, कुछ एरियाज़ में और एडिशनल कंपनीज जा रही हैं। अभी हमारा कश्मीर प्रोविंस पर्टिकुलरली कुछ रिमोट एरियाज हैं, इसमें कुपवारा है और वो बांडीपुरा है, कुछ एरिया में पुलिस जो बाहर से आई है वो रास्ते में है, लेकिन उनके लिए अरेंजमेंट्स, उनके रहने के इंतज़ाम, उनका ये सब कर दिया गया है। जो हमारी ओवरऑल असेसमेंट है कि एडिक्वेट, इनफैक्ट वेरी कंफर्टेबल अमाउंट ऑफ पुलिस फोर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड द स्टेट इज़ अवेलेबल। सो पुलिस के पास में एरिया को स्क्वेयर करने के लिए, जो कोई कैंडिडेट जाता है उसके रूट को स्क्वेयर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब पोलिंग डेज आ रहे हैं हमारे 8 फेज के, उसमें जब पोलिंग पार्टीज चलती हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की लोकेशन से और पोलिंग स्टेशन में जाती हैं और जब वहाँ पर रहती हैं, तो इसका पूरा एक प्लान जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट ने बनाया है, और एडिक्वेट पुलिस फोर्स हमारे पास स्टेट के पास में उपलब्ध है, पुलिस के पास में उपलब्ध है, और वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिप्लॉय करेगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो क्रिमिनल्स कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड हैं या केसेस उनके खिलाफ दर्ज हैं, वैसे भी कुछ लोग अभी भी इलेक्शन में उठे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन पे कुछ डायरेक्शन है उनके लिए? जो नॉमिनेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का है या विलेज पंचायत का है, ये एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म है उसके बुनियाद के ऊपर ही बना हुआ है। ये पॉइंट किसी ने पहले भी उठाया था कुछ दिन पहले, अभी इसका केस भी एक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो लॉ ऑफ लैंड है उसके मुताबिक ही नॉमिनेशन को भरा जाएगा। तो हमारा भी जो DDC का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नॉमिनेशन पेपर है और जो पंचायत का नॉमिनेशन पेपर है, उसमें कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना है और बताना है कि उसके खिलाफ क्या क्या केस है। जो कन्विक्शन वाला कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन जो दूसरा है जिसके खिलाफ कोई चार्ज है वगैरह वगैरह, वो जो लॉ में है, तो इसलिए कैसे कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन कन्विक्शन वाला जो कैंडिडेट है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमीशन, हम वही कानून फॉलो कर रहे हैं जो सारी देश में फॉलो हो रहा है इसके बारे में।